प्यार करना ना आसान नहीं है, बहुत पापर बेलने पड़ते हैं, अपने पेशेंस का इंतहा देना पड़ता है, अपने दिमाग को शट अप एंड दिल पे भरोसा करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी लाइफ में वो मोमेंट आएगा ना, जब आप ये सोचोगे कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन मेरा प्यार एक तरफ, बस उस मोमेंट आप समझ लो कि आप प्यार समझ गए, प्यार की कॉम्प्लिकेशन समझ। हाय, मैं हूँ स्मृति कालरा और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 5, पावर्ड बाय सफोला मसाला ओट्स। एंड आज की लव स्टोरी बहुत क्यूट, एक्साइटिंग एंड स्वीट। लव स्टोरी में है किरण, दीपक, सौम्या एंड शौना। अब इन चारों की लव स्टोरी में क्या होता है हम देखते हैं। चल खाना खाने चल। लंच से ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम है, डेडलाइन सिर पे है। काम वाम सब होता रहेगा, चल डिनर ठंडा हो जाएगा। चल कॉल उठा लेना, तुझसे बात करने के लिए कॉल कर रहा है। हाउ रूड। हाँ बोलो। जब तक तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोल दूँ ना, तब तक अच्छे से नींद ही नहीं खुलती। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है तुमसे बात करना, और एक तुम हो कि जिसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, प्लीज बाद में बात करें। सौम्या, मैं इतने रोमांटिक मूड में हूँ और तुम? अरे कहाँ ना, इम्पोर्टेंट काम है। काम मेरे पास भी है, पर जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं ना, तो टाइम निकालना पड़ता है। प्लीज यार शौनक, अब मुझे रिलेशनशिप रूल्स मत बताओ, बाद में बहस करें प्लीज, बाय। सौम्या, शिट। कोई और लड़की होती ना, आगे पीछे भागती इसके। इतना प्यार करता है तुझसे और तू ऐसे ट्रीट करती है उसे। हाँ सौम्या, लुक व्हाट आई गॉट फॉर यू। मॉम क्या लाए हो? ये देखो तुम्हारे लिए। वाओ वाओ मॉम, कितना प्रिटी है। थैंक यू। और किरण के लिए? किरण के लिए थैंक यू मॉम। मॉम ये आप क्या लाए हो किरण के लिए? ये कितना आउटडेटेड है। आउटडेटेड कहाँ है सौम्या, ये तो बहुत प्रिटी है। माँ थैंक यू। मुझे लगा इस पे यही सूट होगा। किरण ये तेरी ड्रेस और तुझ पे बहुत सूट करेगी। पागल हो गई है, माँ तेरे लिए लाई है, मैं ये नहीं ले रही। रख ले, तुझे बहुत सूट करेगा सच में, और मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा चलो मैं अब लंच करने जा। सौम्या 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 के लिए रिश्ता आया, बहुत अच्छे लोग हैं और परसों इसे देखने आ रहे हैं। अरे इतनी बड़ी बात और तुम मुझसे ऐसे अचानक से बता रही हो? ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग हैं? अरे कुछ तो डिटेल बताओ उनके बारे में। बहुत अच्छे लोग हैं, खुद का उनका अपना बंगला है, अच्छा खासा बिजनेस है, और क्या चाहिए आपको? लेकिन माँ किरण मुझसे बड़ी है, तो टेक्निकली उसकी शादी मुझसे पहले होनी चाहिए। आप ऐसे कैसे? ये मेरा नहीं दीपक का फैसला है। दीपक उस लड़के का नाम है, उसने तुझे कहीं देखा है और तू उससे पसंद आ गई। अरे ऐसे कैसे पसंद आ गई, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, फालतू की जिद। शौना मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात शेयर की और तुम यहाँ बैठ के केक बेक कर रहे हो और मुझे कट करने के लिए कह रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है ये। बहाना बना दो, कह दो कि तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम उसे मिस भी नहीं कर सकती, बस सिंपल है। केक काटो ना यार। केक कट करना है? मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। Ew, I think there's an ant in this. Where? Look, it's there. I can't see. Loser. Baby!
उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इधर मैं उसे ये सब बता रही हूँ और उसे अपने केक की पड़ी है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए। स्टूपिड। तभी तो वो स्पेशल है। उसे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले, इसलिए टेंशन ही नहीं लेता। और ये जो तुम दोनों की लड़ाइयां है ना, ये भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये चलती आई है और चलती रहेंगी। ओए, बहुत क्यूट लग रही है। क्यूट की ऐसी की तैसी। अगर वो दीपक का बच्चा मुझे अकेले मिल गया ना, तो मैं तो उसे पक्के से मना कर दूंगी। एक सेकंड। जल्दी कर, आ गए वो लोग। चल तू जाना, पहले मैं आती हूँ। अरे जाना, 2 मिनट में आती हूँ। गो 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 गो। लेट किया ना तो देख। यस, जल्दी आना। इट्स टाइम टू सेंड अ पिक्चर टू शौनक। और सुनाइए मेहता जी, सब ठीक है? मेहता जी, ये है किरण, मेरी बड़ी बेटी। नमस्ते आंटी जी। ओह, सच अ स्वीट गर्ल। हेलो बेटा। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी, उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया मेरी। ओ सौम्यकांत, वो बस आई रही। रखना भी चाहो सबसे छुपा के। मेहता साहब, ये हमारी सौम्या है, हमेशा से गोल्ड मेडलिस्ट रही है ये, और ऑफिस में भी सबसे बेस्ट एम्प्लॉइज में से एक है ये। आपकी तो दूसरी बेटियां बड़ी खूबसूरत है। दीपक बेटा, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। शो आंटी, सो आपकी कोई खास हॉबी? आई मीन, व्हाट डू यू लाइक टू डू? बुक्स पढ़ना और म्यूजिक। मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है। सौम्या, तुम भी कुछ दीपक से बात करो। वैसे आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी होगी? सब्जियां, राइट? करेले छोड़ के सब कुछ। हाँ, सो हम म्यूजिक की बात कर रहे थे। मुझे वेस्टर्न क्लासिकल से लेके ब्लूज तक, हार्ड रॉक से लेके ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स तक, सब कुछ, सब सुनता हूँ। किसी दिन अपनी प्लेलिस्ट आपके साथ भी शेयर करूंगा। बेटा, अगर तुम्हें अकेले में कुछ सौम्या से बात करनी हो तो कर सकते हो। हाँ बेटा। सॉरी बट एक्चुअली दीपक को अर्जेंटली किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है। बच्चे तो बाद में भी मिल सकते हैं आपस में। सॉरी अबाउट इट। नमस्कार, आइए प्लीज कम। शौनक, इतनी भी क्या अर्जेंसी थी? एटलीस्ट कपड़े तो चेंज करने दिए होते। इतना ऑकवर्ड लग रहा है कैफे में साड़ी में आते हुए। अच्छा, और जब तुम उससे मिलने गए ये साड़ी पहनकर, तब तुम्हें कोई ऑकवर्ड नहीं लगा? शौनक, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बेबी, यू नो आई लव यू एंड मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। प्लीज जस्ट काम डाउन एंड लिसन टू मी। मैंने तुम्हें बताया था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़के को देखने में। कम से कम मेरे साथ ये ड्रामा तो मत करो। ड्रामा? तुम्हें इतना ही ट्रस्ट है मुझ पे? यू नो व्हाट, यही फर्क है तुम में और दीपक में। दीपक? वो अपनी लाइफ में सॉर्टेड है, अपनी लाइफ के बारे में और दूसरों के लिए। वाह, अभी तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, अभी 2 मिनट पहले ही वो तुम्हें सीरियस और सॉर्टेड लगने लगा। यू नो व्हाट, यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस मैरिज और तुम रेडी भी नहीं हो इस शादी के लिए।
तुम जाओ और बस अपना केक बेक करो एंड आई एम सो डन विथ यू गुड बाय. हेलो. हेलो. नमस्ते मिसेस माथुर. ओ मिसेस मेहता, कैसी हैं आप? अरे भाई, तो मैंने दीपक से बात कर ली है, उसे आपकी लड़की पसंद है. उसने शादी के लिए हाँ कर दी है. हम सब तो बहुत खुश है. अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है. मैं अभी इनको जाके बताती हूँ, फिर आगे की प्लानिंग करते हैं. हाँ जी हाँ जी. पर दीपक के पापा कह रहे थे कि एक बार आप किरण से भी पूछ ले, उसे दीपक पसंद तो है ना? किरण, आपको कुछ गलतफहमी हुई है. किरण की तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है. मैं तो दीपक और सौम्या की बात कर रही थी. ऐसा करते एक बार दीपक और सौम्या को अकेले में मिलने देते, फिर देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं वो लोग. आई एम श्योर ही लाइक इट. अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि किरण की एंगेजमेंट हो चुकी है. खैर जो भी है, दीपक और सौम्या एक दूसरे से मिलने, फिर देखते हैं दोनों क्या डिसाइड करते हैं. जी जी बिल्कुल. बस एक रिक्वेस्ट है, आप दीपक से ये कह दीजिएगा कि लड़की ने हाँ कर दी, फिर एक बार दोनों मिल लें, बाकी सब फाइनल. ठीक है ओके. आगे ना लव स्टोरी के बीच में विलन, ऐसे आपने बात ऑब्जर्व करिए, किसी भी लव स्टोरी में एक विलन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक विलन की एंट्री नहीं होती तब तक दो प्यार करने वालों को कैसे पता चलेगा कि वो अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकते या कुछ नहीं कर सकते. See, दीपक is very clear about किरण. वो किरण से बेहद प्यार करता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. शौनक is very clear about सौम्या. अब क्लैरिटी लानी है, कंफ्यूजन दूर करना है और ये कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी happily ever after में बदल. Nice, ना? अरे ये क्या अजीब अजीब कलर लगा रही है. अरे पापा रेड कलर लगा, उसे दीपक से मिलने जाना है. दीपक? हाँ, दीपक ने हाँ कर दी, वो तुझसे अकेले में मिलना चाहता है ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, जान पाओ. लेकिन उस दिन दीपक तो किरण. सौम्या क्या बात है किरण? मॉम मैं बताती हूँ बात क्या है. मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी कोई है जो मुझे. किरण बड़ी बहन है तू उसकी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, सौम्या दीपक से मिलने जाए ये तेरी जिम्मेदारी है. ठीक है बात सुन मेरी. अरे मिलने ही जा रही है ना तू, शादी करने थोड़ी. और सुन, माँ का भी बहुत मन है, मिल लेना प्लीज. लेकिन मैं क्यों जाऊँ उससे मिलने? उस दिन क्लियरली दिख रहा था कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है, मुझ में नहीं. क्या लॉजिक है, क्यों मिलने जाऊँ मैं उसे? लॉजिक ये है कि माँ चाहती है बस. अब सुन, कोई बहस नहीं, तू दीपक से मिलने जा रही है, जाके माँ को बोल दे. कम ऑन गो, कम ऑन. मैंने भी कैसे सोच लिया कि दीपक मुझ जैसी सिंपल लड़की को. किरण, you know, I really like you. तुम बहुत सिंपल हो, तुम बहुत अच्छी हो. नहीं यार, not working. Okay, किरण, you know, you're really simple. I love your simplicity. तुम में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद है. I like you, किरण. Hi. सौम्या? What are you doing here? किरण का है? Well, अगर तुम किरण को पसंद करते हो तो फिर मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? What? तुमसे? Yeah. जहाँ तक मुझे पता, मैंने किरण से ही शादी के लिए हाँ कहा था. And मुझे लगा था किरण ही आने वाली यहाँ पे. In fact, ये सब तैयारियाँ उसके लिए की है मैंने. लेकिन फिर मम्मा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो? Major confusion, I guess. Anyway, I'm really happy and I must say one thing. तुम्हारी choice वाकई में बहुत अच्छी है. And पहली नजर में तुमने हीरा चुन लिया है, हाँ? I'm so happy for her. And yes, one more thing.
मैं भी शायद शादी के लिए अग्री नहीं करती थी बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अ रिलेशनशिप. वाओ, शौनक नाम है उसका, लेकिन आजकल ब्रेकअप जैसा कुछ चल रहा है बहुत ही स्टूपिड सी बातों की वजह से. अगर तुम्हें लगता है कि स्टूपिड सी बात है तो ब्रेकअप को पैशन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेती? या आई थिंक यू आर राइट. स्टूपिड सी बात है, रिलेशनशिप को तोड़ देना बहुत स्टूपिड होगा. वेल एनीवे आई विल मेक अ मूव नाउ. किरण को भी तो गुड न्यूज देनी है. ओके बाय. ओके आई सी यू. बाय. What was that? मैं भी देखूं क्या लिख रही सोम्या, है. सोम्या, क्या कर रही है? किसी की डायरी नहीं पढ़ते. स्टॉप इट. मैं तो पढ़ूंगी. वापस दे. क्या कर रही है यार? गिव इट बैक. अच्छा सुन, इधर आ, बैठ यहाँ और बता मीटिंग कैसी थी? मीटिंग बहुत ही कंफ्यूजन वाली. मतलब? देख, मैं रेस्टोरेंट पहुंची. I was just close to the table. मैंने देखा उसकी आंखें बंद थी. And he was holding a rose like this. But that was not for me. That's you know what he said? He's like, I like you, Kiran. और मैंने वो सुना and I'm like, Kiran? उसने इतनी सारी arrangements करके रखी थी. Flowers थे, gifts थे. It was lot of surprises. But वो मेरे लिए नहीं. उसने सारी arrangements तेरे लिए की थी. Kiran, he really likes you. उसने मुझे ये बताया कि वो तुझे कितना like करता है, Kiran. I saw it in his eyes. प्लीज उससे एक बार मिल ले, मेरे खातिर मिल ले, प्लीज. देख ये सब बेकार की बातें. ओके, तुझे और दीपक को शादी कर लेनी चाहिए. सौम्या माँ भी यही चाहती है. ओके यार, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे तेरे लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं वो तेरा डिसीजन होना चाहिए, ना कि मेरा या माँ का. तू क्यों झेलती है इतनी बकवास उनकी? किरण, यू रियली नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. कोई नहीं आएगा. डू यू गेट इट? अच्छा सुन, एक बार मिल ले दीपक से, मेरे खातिर. मिलना ही तो है, कौन सा शादी करनी है, प्लीज. देखती हूँ. ओके हाय. हाय. वैसे प्रिटी लड़कियां तो बहुत देखी हैं मैंने, लेकिन तुम्हें कुछ अलग है. यू नो यू आर जस्ट डिफरेंट. थैंक यू, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. शो, बैठ के बात करें. लुक, आई नो यू लाइक मी, पर इस रिश्ते के लिए हम दोनों का राजी होना इम्पोर्टेंट है, राइट? और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो हमारे मिलने का, एक दूसरे को जानने का कोई पॉइंट ही नहीं है. तुम प्लीज सौम्या को हाँ कह दो ना, प्लीज. कहोगे ना? हेलो. सॉरी, तुम बैठो ना प्लीज. ओके लिसन, मैं ये कह रही हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और तुम सौम्या को हाँ कह दो, प्लीज. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जैसी लड़की मुझे पसंद है वो सौम्या नहीं तुम हो, तो मैं सौम्य के लिए हाँ क्यों कहूँ? यू नो, मुझे तुम्हारा ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा है. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी? क्योंकि माँ चाहती है इसलिए, ऑब्वियसली. लेकिन मैं तुम्हारी माँ या सौम्य से शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है कि सौम्य क्या सोचती है या उसकी मॉम क्या सोचती है. कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल? Are you seeing someone? Do you have a boyfriend? Are you engaged? Are you crazy? ऐसी कोई बात नहीं है. Not at all. क्यों? Then तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम से ये क्यों कहा कि तुम engaged हो? Engaged? Yeah. कुछ confusion हो गया था तो उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया. That's it. Yeah. Well, अगर तो मुझे सही बात नहीं बताओगी तो फिर मैं सौम्य से शादी करने के लिए कभी आने का आऊंगा. सो प्लीज टेल मी, बात क्या है? लिसन किरण, तुम मुझे बता सकती हो, इट्स ओके, प्लीज. मैं
चार दिन की थी जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मॉम की डेथ हो गई। ये मेरी स्टेप मॉम है, सौम्या मेरी स्टेप सिस्टर। पर बचपन से उन्होंने ही तो सब कुछ किया है मेरे लिए, मुझे बड़ा किया, मुझे पाला, she did everything for me। तो मेरी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि वो जो चाहे जो कहे मैं सब करूँ उनके लिए, राइट? वाओ, लाइक रियली? मतलब आजकल के जमाने में ये सब चीजें होती हैं। लिसन केरन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए क्या किया? इतना बड़ा झूठ बोला ताकि मेरी शादी तुम्हारे से ना हो सके, सौम्या से हो जाए, उनकी बेटी से। और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। लिसन, मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम क्या सोचते क्या नहीं सोचते, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। बिकॉज आई थिंक आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू। लुक दीपक, इस वक्त ना मुझसे ज्यादा जरूरत प्यार की सौम्या को है। शी इज कंप्लीटली ब्रोकन, बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाती है, पर मुझे पता है उसके दिल पे क्या बीत रही है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है शौनक के साथ, वो तो बिल्कुल। अच्छा टेल मी, ये जो शौनक है वो कहाँ रहता है? शौनक? या क्यों? वेल, लाइफ सॉर्ट आउट करनी है उसकी भी और अपनी भी। Hi, I am Deepak. अब एक्चुअली मुझे ना कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए थी, तो किरण ने मुझे बोला मैं तुमसे आके मिलूं। जब तक मुझे फ्लैट नहीं मिल जाता, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ प्लीज? सॉरी, दुनिया बहुत बड़ी है और मेरा घर बहुत छोटा, तुम कहाँ और जाओ। What? किरण ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, तुम्हारी अच्छाइयों की लिस्ट मुझे लिख के दे दी थी। इतना अच्छा इंसान है जिसका दिल इतना बड़ा है, उसके घर में मेरे लिए थोड़ी सी जगह तो होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू। ओके बाय। एक सेकेंड, आ जाओ। हाँ थैंक्स, लेकिन जल्दी अपना इंतजाम कर लेना। शोर शोर, थैंक यू। ओके, नाइस मैन, नाइस प्लेस यू गोरा। ब्रेकअप, हाँ आई अंडरस्टैंड ब्रो, इट्स ओके। मेरा दिल भी टूट चुका है यार, 2 साल लग गए थे जुड़ने में, लेकिन अभी तक बेचारा रिपेयर नहीं हो पाया। चलेगी छोड़ के, मैं रह गया अकेले। दिल को सुकून चाहिए, दूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे क्यों चाहिए दिल को तेरी। बस अब इंतजार नहीं होता, कब आएंगे अब पास? तू चाहिए शामों सुबह, तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा। क्यों मुझे ना तेरे सिवा चाहिए, हर सफर में मुझे तू ही रहनुमा चाहिए, जीने को बस मुझे तू ही मेहरबान चाहिए। हो सीने में अगर
दर्द है न कोई दवा चाहिए तू लहू की तरह रगों में रवा चाहिए अंजाम जो चाहे मेरा I love you, Soumya. I miss you, Soumya. Why did you leave, Soumya? 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 Sharak. Sharak. Huh? Get up. Are you okay? Yeah, I'm fine. You sure? Yeah. Dude, I really think you need a breakup party. Chal party ke liye chalte hain. Kya kehta hai? Yaar, par ab time bahut ho gaya hai. It's never too late. I know a place. हालत दोनों की खराब है। आग दोनों तरफ लगी हुई है। प्यार दोनों को है। लेकिन फर्क सिर्फ ना stages का है। एक को ना post breakup stress है and दूसरे को pre dating anxiety। हमको तो समझ में आ गया है that they are in love। लेकिन क्या किरण and Soumya समझ पाएंगे कि दीपक and शौनक उनसे कितना प्यार करते? One more beer. डूड तूने बहुत पी लिया अब बस कर यार थैंक्स यहाँ आके ना दिल हल्का हो गया यार जुआ दगा है तू ही मेरा सच्चा दोस्त है वन बियर चढ़ गई है यार देख रहा हूँ ना सौम्य दिखाई दे रही है बोले हाँ बताएगी बहुत लंबी लाइन है बट देख सौम्य इधर देख अभी सौम्य एकदम सौम्य है कुछ तो लोचा है हमारी लाइफ में Post breakup trauma and pre dating anxiety. जीने की है तू वजह बन होया बावरा रे अब उठा सुबह शाम रे सौम्या मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा that I love you एक बार दो बार 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 क्या मतलब तीन बार 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 क्या है ये कुछ नहीं है छोड़ यार बैठ तू जाके बैठ जाके मत बैठ कुछ नहीं होगा क्या कर रहे हैं मेरे एक्शन हीरो आर यू श्योर गॉड फेवर्स हाँ
सॉरी बोलना था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारा लव एंड वॉर तो साथ साथ चलता है ना सौम्या। आई लव यू सौम्या, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। What are you even trying to say, Shaunak? तुम लाइफ में कभी सीरियस हो भी सकते हो कि नहीं? मैं बहुत सीरियस हूँ सौम्या, और मेरा प्यार भी बहुत सीरियस है। आई लव यू। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तुम भी तो आ सकती थी ना, कम से कम एक SMS भेज सकती थी। अच्छा मैं आऊँ तुम्हारे पास? गलती तुम करो और मैं आऊँ? गलती? बाबा मैंने अपनी गलती मानी ना, अब और क्या करूँ बोलो। You know what? गलती मेरी है, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ कि जो तुम्हें पिछले आधे घंटे से मना रहा हूँ। जब तुम्हारा मूड ही नहीं है पैचअप करने का तो, और सब चीजें ठीक करने का तो ठीक है, लेटर में भी बाय। फाइन बाय। Ma'am, what would you like to have? Excuse me, ma'am. What would you like to have? Cafe latte, please. Thank you. Sorry. Really sorry, yeah. It's okay. Actually, मैं बहुत तेज चल रहा था लेकिन ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा था, इसलिए ले लो। By the way, you're looking very pretty. And thanks for coming in. वैसे मैंने डिसाइड कर लिया, इतनी लंबी ड्राइव करके तुमसे थोड़ी देर के लिए मिलना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई वांट यू 24/7, बस डिसाइडेड है। दीपक, मैंने तुम्हें बताया है ना, हम साथ नहीं रह सकते, माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं, तो तुम क्या चाहती हो? तुम इतनी सिंपल सी बात समझ ही नहीं रही हो। अगर मैं सौम्य से शादी कर लूंगा तो चार जिंदगियां खराब होंगी, मेरी तुम्हारी सौम्य और शौनक की। जोड़ियां बनी हुई हैं यार, शादी कर लेते हैं। दीपक तुम जो भी कह रहे हो ना बिल्कुल सच है, पर I'm sorry, माँ की परमिशन के बिना मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है फिर, तुम्हें मना लिया अब माँ को भी मना लेंगे। कैसे? पहले शौनक तुम्हारी माँ से सौम्य का हाथ मांगेगा, फिर वो स्पॉट खाली हो जाएगा। Then you and me can be together and forever. What do you say? Really? Yeah. I just hope कि ये जितना सुनने में आसान है उतना करने में भी आसान है। Trust me. If you don't mind, can I? Wow, so pretty. इतनी pretty girl तो इतनी pretty lady नहीं हो सकती। Trust me, everything is gonna be fine. I promise. Okay, I promise. दीपक और सौम्या की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। ओह माय गॉड, कितनी सारी तैयारियां करनी है अब। अरे ऐसे कैसे फिक्स हो गई? हम कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे। देखो हम दीपक को उसके परिवार को अच्छे से जानते भी नहीं, और बिना कुछ जाने समझे इतना बड़ा फैसला
मुझे दीपक से शादी नहीं करनी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और आप लोग इस बात पे मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मम्मा आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि दीपक और किरण एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। Why is it so difficult to understand? किरण क्या ये सच है? मुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए। माँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि सौम्या कुछ भी कह रही है। माँ आप उसे ऐसे चार लोगों के सामने पूछोगे तो वो ऑब्वियसली मना करेगी और वैसे भी उसे आपका इतना ज्यादा डर है कि वो चाहकर भी हाँ नहीं बोल पाएगी। मुझे ना तेरा भाषण नहीं सुनना। मेरी बेटी ना होने के बाद भी मैंने जो इसके साथ किया है बहुत किया है। अगर मेरी जगह कोई और होती ना माँ तो ये इस घर में नहीं अनाथालय में होती। आप क्या बोले जा रहे हो? गीता कुछ भी बोलती रहती हो और तुम कैसे उसे अनाथालय भेज सकती हो? मैं मर गया था क्या तो उसे जाने देता? आदत पड़ गई है तुम्हें कुछ भी बकवास कर। मुझे कुछ नहीं पता इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। दीपक और सोनिया की शादी होगी नहीं तो मैं ना मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं करना है ये सब। क्या चल रहा है? पूरी लाइफ स्पॉइल कर रखी है मम्मा ने। व्हाई शी सो स्टबर्न? सौम्या अगर माँ ने खुद को कुछ कर दिया ना इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तू शौनक के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेट्स जस्ट होप कोई ना कोई मिरेकल हो जाए। और सुन शादी और एंगेजमेंट में बहुत फर्क होता है ओके? कम ऑन इतना अपसेट नहीं होते। सौम्या वी विल फिगर समथिंग आउट ट्रस्ट मी। थैंक्स ब्रो। थैंक्स किस बात का यार? मैंने कुछ भी नहीं किया यार। 1980s की फिल्म वाले स्टाइल में बोलूं तो तू ही मेरा सच्चा दोस्त है भाई। करना ना मैं और सौम्या ना एक दूसरे से ऐसे स्टूपिड जैसे रूठ कर बैठ गए। देख इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो राइट? अब तुम लोग झगड़ते हो एक दूसरे को मना भी लेते हो। True love, my friend. बस फर्क इतना ही कि मैंने तुम्हें थोड़े डिफरेंट तरीके से समझाया। That's it. अब जरा इमोशनल बातें खत्म करें और जल्दी से रेडी हो जाए। Oh, wait. I completely forgot. Just hold on. दीपक लुक क्विकली गेट रेडी नाउ। मैं ऐसा तैयार होऊंगा लड़की क्या पूरी फैमिली मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। अरे हीरो तू जल्दी तैयार हो जा टाइम देख लो के तो टाइम ना हो 12:30 वहां पहुंचना है समझा ना। चलो क्विकली गो। चलो दीपक बेटा सौम्या को रिंग पहनाओ। आंटी वो रिंग तो मेरे पास है ही नहीं। निकलते समय तो मैंने तुम्हें पकड़ाया था। नहीं मॉम वो एक्चुअली सौम्या के रिंग नहीं है। क्या मतलब? आंटी सौम्या इतनी स्पेशल है कि मैंने उसके लिए स्पेशल रिंग मंगवाई है। बस आती होगी 5 मिनट्स मेरा फ्रेंड लेके आ रहा है। ओ He's here. Let me get that. अंकल आप रुकिए ना प्लीज। कम शौनक शौनक माई मॉम एंड डैड सौम्या मॉम एंड डैड दैट्स किरण सौम्या सिस्टर। चलो चलो मिलना मिलाना हो गया तो आप अपनी रस्में पूरी करें आओ। शो आंटी चले। एक मिनट ये क्या हो रहा है? कौन है ये? माँ ये आपका होने वाला दामाद है। हाँ आंटी मैं और सौम्या एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या बकवास है ये? सौम्या तो दीपक से प्यार करती है
उससे शादी करने वाली है? आंटी, मैं किरण को पसंद करता हूँ। अरे बेटा देखो, कुछ गलत फहमी हो रही है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम दोनों मेरे साथ आओ। माँ, अरे संगीता, जिद भी क्यों हो रही हो? जिंदगी भर की बात है शादी, कोई दो दिन का खेल नहीं कि तुम टीमों को ऐसे ही बदल दो। हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हो कि आपकी बेटी की शादी दीपक से हो। आपने कभी सौम्या को अपनी बेटी माना ही नहीं। माँ प्लीज, आप तो कुछ मत बोलो। इनफैक्ट पापा ने नहीं, आपने कभी किरण को अपनी बेटी नहीं माना। सौम्या, तुम चुप रहो, मुझे किरण से बात करने दो। किरण, किरण, क्या तुम दीपक से प्यार करती हो? बोलो किरण, बोलो। देखा देखा, ये तो दीपक से प्यार करती ही नहीं। सब खत्म, सब कुछ ठीक हो गया। आओ आओ। आंटी प्लीज, आप मेरी दो मिनट बात सुन लीजिए, फिर आप जो फैसला करेंगे हम वो करेंगे। आंटी, किरण ने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया, उसमें उसकी क्या गलती थी? उस बच्चे के बारे में सोचिए जो बचपन से आप में अपनी माँ को ढूंढते आई है। आपने उसे जैसे भी ट्रीट किया हो, आज तक आपको उसने कुछ भी नहीं कहा। आंटी, आप जरा सोच के देखिए, क्या आपको लगता है उसकी अपनी मॉम उसे ऐसे रखती, उसे ऐसे ट्रीट करती जैसे आपने रखा है? आंटी, किरण ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, आज आपकी एक हाँ उसको जिंदगी भर की खुशी दे सकती है। अब आपके हाथ में चार जिंदगी आंटी, अब आपको इन चार जिंदगियों को संवारना है या बिगाड़ना है वो आपकी मर्जी है। माँ, जो प्यार उसे आपसे मिलने चाहिए था वो आज दीपक से मिल रहा है। दीपक ने उसे एक नई जिंदगी दी है, उसे हंसना सिखाया है, और माँ अब उससे ये खुशियाँ छीनना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ संगीता, अब मान जाओ, छोड़ दो जिद, देखो इसी में बच्चों की खुशी है। अगर आप नहीं चाहती, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी नहीं। देखा देखा, इसे इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हारे साथ खड़ी है, और तुम माँ को ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी बिता दी मेरी बच्ची ने। मेरे बिहेवियर के कारण इस पे क्या बीती, सब मेरी गलती है। आज तुम्हारे बड़कपन के आगे मैं अपने आप को बहुत छोटी महसूस कर रही हूँ, बहुत छोटी। I'm sorry. तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपना इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या किया, ख्वाब दिल को नया दे दिया। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद हमारी आज की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ही गई। फाइनली एंड में सब कुछ ठीक हो गया, अगर नहीं होता तो मतलब एंडिंग नहीं हुई। हमारी आज की लव स्टोरी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फिश लव, और आज की हमारी लव स्टोरी है ये सिर्फ दो प्यार करने वालों की लव स्टोरी नहीं है, बल्कि दो बहनों के बीच भी प्यार की भी है। कैसा प्यार, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, दूसरों की खुशी के बारे में पहले सोचते हो। और ऐसा प्यार देखकर दुनिया डेफिनेटली बोल उठेगी, प्यार तूने क्या किया। कैसी लगी आपको दीपक किरण सौम्या शौर्य की लव स्टोरी? जैसी भी लगी आप मेरे साथ शेयर करो #PTKK on facebook.com/zingtv या twitter.com/zingtv पर। अगले हफ्ते मैं फिर आऊँ फ्राइडे 7 o'clock जिंग पर एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर, जिसको देख के आप बोलोगे प्यार तूने क्या किया। दिस इज स्मृति कारवा सिंह, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड वॉचिंग। प्यार तूने क्या किया।